ओके, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन बाद शूट कर रहा मैं, तो दिस इज़ योर होस्ट उशु एंड को होस्ट रोशन फ्रॉम पुणे। तो आज हम जा रहे हैं तामिनी घाट पे एक विला एक्सप्लोर करने और कुछ स्पॉट देखने के लिए। वन डे का हमारा स्टे रहेगा वहाँ पे और देखते हैं, दुआ है कि अच्छा व्यू मिले हमें। ये हमारी राइडिंग बाइक, विला का रेट वगैरह मैं डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको जाना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे डायरेक्टली, मिलते हैं सफर में। मंदिर ड्राइव करके हम पहुंच जाते हैं कुंदलेका वैली, जो है काफी फेमस स्पॉट। तो फाइनली एक घंटा ट्रैवल करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं कुंदलेका वैली तामिनी घाट में। और यहाँ का ये कुछ इस तरह नज़र है, लास्ट टाइम जब आया था हमें तो काफ़ी अलग व्यू था, मतलब वो साइड जो नीचे का साइड है वहाँ से क्लाउड्स दिखते थे, अभी पूरा फॉग फॉग हो गया इधर और जस्ट बारिश लगी गई है तो ये दिख गया हम लोग रेनकोट पहनने के बावजूद। ये देखो ऐसा व्यू दिखता है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए लग चाहिए आपको, प्रॉपर लग चाहिए थोड़ा, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। ये देखो सच अ पोजर, तो ऐसा यहाँ पे व्यू है कुछ। और वहाँ पे पार्किंग है, और हाँ टिकट की बात करें तो 140 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से खड़े हैं, फिर भी यहाँ का क्लाइमेट है वो कुछ चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है, वो मेन स्पॉट है जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा वेट करने के बाद क्लाइमेट क्लियर हो गया है और हम आ गए इस मेन स्पॉट पे। देखो ये गाइस यहाँ में यहाँ हमारा स्पॉट है और यहाँ पे लाइन लगी है। मोए 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 मोए। तो अभी हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, कितना सही लग रहा है देखो वो क्लाउड ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। सैटरडे संडे में काफ़ी भीड़ रहती है, तो ट्राई करो वीकडेज पर आने का, सब यही बोलते हैं, आता कोई नहीं है क्योंकि छुट्टी किसी को नहीं मिलती है, ये सच है। छुट्टी मुझे भी नहीं मिली, तो सबको वीकडे की छुट्टी नहीं होती, सबका सैटरडे ऑफ नहीं, ऑफ है सबका सैटरडे ऑफ। तो अभी हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं, गाड़ी लेंगे और मानगांव जाएंगे। तो यहाँ फ्री वॉशिंग भी होता है गाड़ी का, जो भी वो है हमारा 120 रुपये में होता है। तो अभी हम निकल रहे हैं कुंदलेका वैली से और जा रहे हैं मानगांव। तो ये रास्ता पुणे से आता है ये वाला, और ये मानगांव जाता है, और ये रास्ता नीचे आता है वो अभी हम जा रहे हैं मानगांव साइड। एक स्पॉट मिला है तो वहाँ पे हम रुके हैं, और यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा देखो आप, और देखो वाटरफॉल एक्चुअली वो एक स्पॉट है वहाँ से सामने से दिखता है वो, पर हम लोग यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ पे गर्दी कम है। वाटरफॉल देखने के बाद हम चल पड़ते हैं मानगांव के लिए, जो यहाँ से हाफ एन आवर की दूरी पे था। वैसे ये तामिनी घाट बारिश में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और राइडर्स का ये फेवरेट स्पॉट है। तो गाइज और 20-30 मिनट ट्रैवल करके हम लोग फाइनली ये रेस्टोरेंट में पहुंचे जहाँ पे हमें इनवाइट किया है। तो यहाँ हमारा लंच का और स्टे का शूट था, ये शूट करके हमें जाना था एक विला का शूट करने जो तामिनी घाट के बेस पे है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, हमेशा आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ या पुल है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा और पुल तो हो रहे ही नहीं। तो रुक जा हमें कॉल करना पड़ेगा उसको। आगे लगता है हमें दूसरे पुल में जा रहे थे, हम बच गए, हमें उधर से बुलाया गया है। वहाँ कुछ और पुल दोनों भी नहीं हो रहा था। तो चलो आपको रूम टूर कराते हैं। तो ये भाई साहब यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी है इनके पास, एसी भी है, लेकिन ठंडा क्लाइमेट इस टाइम नहीं, एसी ऑन नहीं है। ये मेन रोड है, मेन रोड पे लगते ही इनका प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है और इनका यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है रोड साइड। तो अभी यहाँ का शूट करके हम लोग वहाँ जाएंगे। A few moments later. तो अभी यहाँ का शूट खत्म हो गया है, तो अभी वहाँ जाएंगे हम लोग, वहाँ का शूट करेंगे, और उसके बाद जो इनका मेन विला है इसके नाम आए हैं वो शूट करने जाएंगे। लंच का शूट करने हम आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, और कुछ इस तरह का होता है ये हमारा सेटअप। तो फाइनली ये बहुत देर शूट के बाद हमारा खाना आ चुका है, और ये है सुरमा थाली और ये है चिकन थाली। तो ये खाने वाले हैं ये, और ये खाने वाला है कुछ 2 मिनट और। अभी हमारे यहाँ से हो चुका है लंच करके, ज़रा बताएंगे कैसा था रिव्यू लंच का? यार ऑसम यार, मतलब कोकण का फील आया भाई मेरे को। कोकण तसा है, तू साले यार रायगढ़मध्ये आहे मग काय ना। देखो ये हमारे येलो पेंगुइन जो तैयार हो चुके हैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 4। अभी यहाँ से निकलते हम लोग, अभी दूसरी जगह पे जाएंगे शूट करने। तो हमारी बाइक उस कार में जा रही है। 1 आवर की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं विला पे, जिसका हमें एक्चुअल शूट करना था। अभी हम आपको देंगे विला टूर। ये है इसका हॉल, इस तरह दिखता है इसका हॉल, ये डाइनिंग एरिया,
एक किचन, ये एक मास्टर बेडरूम, और वैसे और एक बेडरूम इधर है, और ये मैं तुम्हारा होस्ट, और ये तुम्हारे होस्ट। अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। आओ फ्रेंड्स, चाय पी लो। और धूप भी थोड़ी आ चुकी है, वहाँ से पूरे कपड़े गीले हैं। चाय के साथ बिस्किट तो नहीं मिला फ्रेंड्स, हम बिस्किट खाने आए थे पर बिस्किट तो नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम इज दी बैड लक, इज दी नेक्स्ट टाइम इज दी प्लेस इज दी पता है ना वो मीम। हम निकले वहाँ से खाना खा के, और हमारे हम पहुँच गए हमारे स्टे पे। यहाँ पर एक लाइन से सब विला है। देखो गाइस, ये बजे है रात के 12:15, और हमारा विला का गई है लाइट। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो जो केयर टेकर है ना एरिया के, उनके साथ आए हैं। हमारी गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी, लेकिन उनकी हमारी लाइट तो वहाँ पहुँच सकती है, तो वहाँ पे वो लॉट कर रहे हैं लाइटिंग का, और यहाँ पे हम लोग लाइट कर रहे हैं। तो टेंशन मत ले रहे भाई, इधर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देख आसमान कितना क्लियर है, चांद तारे सब दिख रहे हैं। आ गए। दिस इज डे 2, और अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए पीछे वाटरफॉल में। अब्बा जी सुबह के 8:30 लाइफ जैकेट पहन के भाई। तो तैयार हो गए हम लोग, पीछे ही है विला के, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। कार बाइक लेके जाएगी और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। कॉन्टैक्ट नंबर प्राइसिंग में बताऊँगा आपको। काफ़ी फेमस प्लेस है ये कामिनी घाट की, वायरल बहुत हुई है ये। अभी निकलते हैं। तो अभी हम लोग मेन रोड से अंदर आए टू व्हीलर वगैरह के। तो अभी हमने टिकट निकाला है, टिकट निकालना पड़ता है। अगर सिर्फ देखना है जगह तो 100 रुपीज़ लेते हैं, अगर स्विमिंग करना है तो 200 रुपये लेते हैं विथ लाइफ जैकेट। लाइफ कैरी बैग है तो इसमें किस चिकन मटन रहेगा, लेकिन इसमें हमारी गाड़ी की चाबी, फोन, चश्मा वगैरह सब कुछ है। हम लड़के हैं ना, हमारे ऐसा ही होता है। अपनी गाड़ी आराम से जा सकती है। तुम दोनों फालतू की बातें कर रहे हो, मैं गाड़ी उस तरफ नहीं जा सकती, मैं बोल रहा हूँ। 4-5 झरने, 2-3 नदियां पार करने के बाद पहुंच जाएंगे अपन, पहुंच जाएंगे। फाइनली 15-20 मिनट ट्रैक करने के बाद पहुंच चुके वाटरफॉल में। पानी का फ्लो ज्यादा है। वो काफी ज्यादा था तो हम सिर्फ स्विमिंग करते हैं। ये थे हमारे गाइड, इनका नंबर दे दूंगा मैं नीचे, कांटेक्ट करना इनको क्या आना है। तो हम विला पे आके फ्रेश होते हैं और चेकआउट करके निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। बाहर हो रही है मस्त बारिश, अभी खा के हमें निकलना है। कैसा टेस्ट है बता? घरगुती खाना भी अच्छा था रात का, ये भी अच्छा है। ब्रेकफास्ट हो गया, ये हमारा पेट बन गया। इतना दूर आने के मुझे पूछ रहा है कि मैं इसका मोबाइल मेरे पास है क्या? है क्या? क्या होता है भाई? है ना? There is no going back. ना भी नहीं। तो मोड़ा बाहर है। तो चलो, this is Usu signing off from this trip. तो अभी इसी घर पे आया। बाइक निकल लिए, बट हम जाएंगे घर से क्योंकि बारिश हो रही है। अभी मैं से 3 बजे से मैं मेट्रो पकड़ूंगा और जाऊँगा पुणे स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के मुंबई। तो मिलते हैं किसी दूसरे नए ब्लॉग में, नए सफर पे, नई मंजिल की ओर। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो।